हेलो गाइस, दिस कुशा, वेलकम टू कुशा सेटअप फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। सो देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस करा था? पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1। सो इसके पार्ट के मैंने थ्री पार्ट इस वीडियो के मैंने थ्री पार्ट्स बताए थे। सो ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं राइट बटन पर क्लिक करिए और वहाँ से जाके देख लीजिए। सो पार्ट फर्स्ट जब आप देखेंगे जबी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि वो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ बताया था। सो चैप्टर में जितने भी चीजें हैं, थ्योरम्स, वो सब मैंने बता चुका हूँ उस पार्ट में, ठीक है। सो इसलिए वो पार्ट देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को हमारे। सो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.3 इस पार्ट में हम करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.2 का क्वेश्चन हमको फर्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्या देखता है एक्सरसाइज 9.2, चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन हमको फर्स्ट में दे रखा है। हमें फिगर दे रखा है 9.5 फिगर दे रखा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? वहां पे पैरेललोग्राम है, ठीक है। AE परपेंडिकुलर DC और यहाँ पे AE जो है वो परपेंडिकुलर है DC के, ठीक है। अब एंड CF और CF जो है वो परपेंडिकुलर है AD के। EF AB इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इज इक्वल्स टू 10 मीटर फाइंड AD। हमें यहाँ पे AD फाइंड करनी है। सो यहाँ पे चलिए फिगर देख लेते हैं। फिगर में हमें क्या दे रखा है, चलिए फिगर देखते हैं। सो फिगर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये हमें फिगर दे रखा है। चलिए देखते हैं, ये देखिए हमें यहाँ फिगर दे रखा है। ये अब यहाँ पे बना हुआ है F, यहाँ पे लिखा हुआ है F, यहाँ पे लिखा हुआ है E, यहाँ लिखा हुआ है D, यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है C। ओके, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, हमें यहाँ फिगर दे रखा है। अब AB और AE, AB क्या है हमारी? 16। AB यहाँ लिख लेते हैं हम, AB इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर और यहाँ पे AE जो है वो 8 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और CF इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, CF इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करनी है? AD हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें AD है, AD हमें फाइंड करनी है, AD नहीं दे रखी हमें यहाँ पे, AD फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? AB इंटू AE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, 16 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर किसका था? ये 16 सेंटीमीटर था, ये 8, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद अब आ जाते हैं हम CF और AD, यानी कि हम करेंगे यहाँ पे AD इंटू CF इज इक्वल्स टू हमारा 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, CF इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम। अब AD यहाँ क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में 10 कर देंगे। सो आ गया ये। अब इसके बाद हम इस तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1
12.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा, एडी, एडी इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ एडी क्या आ गया, एडी 12.8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एडी हमने फाइंड कर लिया, क्या गया 12.8 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, एडी है, फिर एडी है, फिर ए वो सॉरी सी है, सबसे कम क्या है, सबसे कम सेंटीमीटर क्या है, एई ए ई, ओके हो गया। एडी हमने यहाँ फाइंड कर चुके हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ दे रखा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है हमें, इफ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो डेट ए आर, ए आर ब्रैकेट में ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ए आर ए बी सी डी, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ई एफ जी एच जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ इसके साइड है पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, वो साइड्स हैं, साइड दे रखी है ए बी सी डी पैरेललोग्राम की, वो उसके मिड पॉइंट है ई एफ जी एच, ठीक है। सो डेट हमें क्या शो करना है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं क्या शो करना है हमें, ई एफ जी एच ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू हाफ ए आर, हाफ ए आर ए बी सी डी ब्रैकेट में, ये करना है हमें। सो ये हमें शो करना है। सो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, हम ये करना है हमें शो। सो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले सिचुएशन फर्स्ट बनाते हैं, बस सिचुएशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ जी फर्स्ट इक्वेशन में ई एफ जी ब्रैकेट में ई एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ ए आर ब्रैकेट में पैरेलल जी एम पावर जी एम पैरेलल की, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई बी सी जी, ये करते हैं हम। ये तो सिचुएशन फर्स्ट बनाई हमने, आप सिचुएशन सेकंड बनाते हैं, चलिए सिचुएशन सेकंड बनाते हैं हम यहाँ पे। सिचुएशन सेकंड क्या है, ई एच जी ये देखता है हमें, ई एच जी इज इक्वल्स टू हाफ ए आर, हाफ ए आर ब्रैकेट में देता है यहाँ पे हमें पैरेलल जी एम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ए ई ए ई जी डी, ए ई जी डी ये कर लेते हैं हम। सो ये हो गया अब ए ई जी डी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इस वन सिचुएशन वन और टू से हमें क्या मिला, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में ई एफ जी प्लस ई जी एच, ई जी ई एच जी, ई एच जी ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ ए आर पैरेलल जी एम, जी एम ई बी सी जी, ये हो गया। अब फिर प्लस करेंगे हम यहाँ, प्लस प्लस क्या करेंगे हम, हाफ, हाफ ए आर पैरेलल जी एम, यहाँ पे ए ई जी डी, यहाँ पे ये हो गया। इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे हमारा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर लेते हैं इतने का इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया हमारा, हाफ ए आर पैरेलल जी एम, यहाँ पे ए बी सी डी ये आ गया, ठीक है, ए बी सी डी ये आ गया। अब यहाँ पे ई जी यहाँ पे भी था, ई जी यहाँ पे भी था, तो ई जी से ई जी कट, सो ए बी सी डी यहाँ आ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप करते हैं इसे, सो यहाँ पे ई एफ जी, ई एफ जी यहाँ पे ई एच जी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, सो यहाँ पे पर एफ है, यहाँ जी है, ऐसे यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ एफ एच एफ एच है, सो यहाँ पे जब हमने इसे प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, क्या आएगा ई एफ जी एच, यह आ गया हमारा। सो यहाँ पे ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ए आर, अब यहाँ पे ये है, सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ ए आर
ब्रैकेट में ए बी सी डी, ये हो गया ठीक है। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा ये आंसर आ गया ठीक है। हमने ये शो करना था शो दैट, अब हमने यहाँ शो कर दिया है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखता है हमें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख रखा है हमें यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे 9.2। हाँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है यहाँ पे हमें, पी क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सो डेट ए ए बी बी इज इक्वल्स टू ए आर बी क्यू सी। ये सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी बी इज इक्वल्स टू ए आर बी क्यू सी ये करना है। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एन टू पॉइंट्स, पी क्यू क्या है वो टू पॉइंट्स है लाइन ऑन साइड, वो लाइन कर रहे हैं साइड डी सी पर, किस पर, साइड डी सी एंड ए डी, ए डी पर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम वैसे ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम है ठीक है। शो डेट हमें शो करना है यहाँ पे ए पी बी ब्रैकेट में ए पी बी इज इक्वल्स टू ए आर बी क्यू सी। सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पी बी ए पी, हमें यहाँ पे क्या शो करना है, शो करना है ए पी बी इज इक्वल्स टू ए आर, यहाँ पे ए आर ए पी बी और ए आर यहाँ पे ए वो सॉरी बी क्यू सी, बी क्यू सी ये करना था हमें ठीक है। अब चलिए ये हो गया यहाँ पे हमारा, अब क्या करते हैं हम, ये इसे हमें शो करना है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम ए आर ए पी बी यहाँ पे लिख लेते हैं ए आर ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल्स टू हाफ 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 पार्टनर जी एम ए बी सी डी ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ये फर्स्ट सिचुएशन, अब यहाँ सेकंड सिचुएशन ए आर बी क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ पार्ट एल जी एम ए बी सी डी ये हो गया ठीक है। अब ये भी बन गया हमारा, सो सिचुएशन वन सिचुएशन टू से हमें क्या मिला, अब सिचुएशन वन से और सिचुएशन टू से हमें क्या मिला, चलिए तो देखते हैं सिचुएशन वन और सिचुएशन टू से हमें क्या मिला। यहाँ पे ए पी बी यहाँ पे क्या ये सेम है, इतना ये पार्ट सेम है, सो ये पार्ट इतना सेम है पर ये सेम नहीं है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर ए पी बी ए पी ए आर ए पी बी ब्रैकेट में है ना इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए आर बी क्यू सी ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था हमारा, इतना पार्ट तो ये सेम था बिल्कुल ओके, यहाँ सेम नहीं था तो यहाँ हमने क्या कर लिया ए आर ए पी बी इज इक्वल्स टू ए आर बी क्यू सी ये हमने कर लिया ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये भी हमारा थर्ड वाला भी हो गया स्टूडेंट पढ़ना था इसमें भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर पर जो है 9.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ठीक है, क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, इन द फिगर हमें फिगर दे रखा है पी क्यू आर एस एंड ए बी ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम, ए बी आर एस और पी क्यू आर एस क्या है इसमें पैरेललोग्राम है एंड एक्स एक्स जो है एनी पॉइंट वो पॉइंट है साइड बी आर का बी आर साइड का शो डेट हमें शो करना है फर्स्ट दे रखा है फर्स्ट हमें क्या शो करना है चलिए डाल देते हैं फर्स्ट हमें शो करना है यहाँ पे ए आर पी क्यू आर एस आर एस ब्रैकेट में इक्वल्स टू ए आर ए बी आर एस ठीक है ये करना है हमें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, हमें सेकंड में दे रखा है हमें ए आर सेकंड हमें दे रखा है ए आर ए एक्स एस इज इक्वल्स टू हाफ ए आर पी क्यू आर एस
ये दे रखा है। अब यहाँ फिगर देख लेते हैं पहले, तो फिगर क्या दे रखा है, फिगर में हमें ये दे रखा है, ये है हमारा फिगर। सो ये हमें ऐसे फिगर दे रखा है यहाँ पे बना हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये फिगर दे रखा है हमें, एक्स यहाँ लिखा हुआ है एक्स, यहाँ आर, यहाँ बी, यहाँ क्यू, यहाँ ए, यहाँ पी, यहाँ एस, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये शो करना है, सो यहाँ पे पी क्यू आर एस ए आर पी क्यू आर एस और इज इक्वल्स टू ए आर ए बी आर एस। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस इज अ पैरेललोग्राम लीलोग्राम PQRS and ABRS is a parallelogram. क्या है parallelogram, PQRS ABRS okay is a parallelogram है ना। So ये हो गया। अब यहाँ पे जब दोनों ही ये parallelogram है, ये दोनों ही क्या parallelogram है, so क्या equal होंगे, ये दोनों equal होंगे, so यहाँ पे जो है AR PQRS, यहाँ पे AR PQRS जो है AR PQRS is equals to है AR ए बी आर एस, ये हो गया इक्वल्स टू होंगे जब जब दोनों ही एक पैरेललोग्राम है, सो दोनों क्या है सेम है, पैरेललोग्राम है तो सेम होंगे है ना। सो पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, सो यहाँ ए आर पी क्यू आर एस इक्वल्स टू हो गया ए आर ए बी आर एस। ओके ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर, सेकंड में क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ए आर ए एक्स एस, हाँ तो वो हमने लाइन रफ कर दी, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम वाली सो से दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस एस इज अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ओके अब यहाँ पे क्या है पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस इज अ पैरेललोग्राम है, सो यहाँ पे क्या दे रखा है ए आर ब्रैकेट में ए एक्स एज है इज इक्वल्स टू हाफ, चाहे हम कर सकते हैं ए बी आर एस, सो ए बी आर एस कर लिया, तो ए बी आर एस ए आर ए बी आर एस जो है यहाँ पे ए आर ए बी आर एस इज इक्वल्स टू क्या है पी क्यू आर एस भी है, सो ए आर ए एक्स एस इज इक्वल्स टू हाफ ए आर पी क्यू आर एस, ये हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे ए बी आर एस हमने कर लिया है, सो हमें क्या करना था यहाँ पे शो पी क्यू आर एस करना था, ए बी आर एस तो शो नहीं करना था, हमने ए बी आर एस ऐसे लिख दिया, सो उसी के साथ साथ ए बी आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, सो यहाँ पे क्या हो गया ए एक्स ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ए आर पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गया, अब ये भी हो गया, सो इसी के साथ साथ 9.2 एक्सरसाइज खत्म। अब आते हैं 9.3 एक्सरसाइज पर, सो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर वो सॉरी 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए देखते हैं 9.3 एक्सरसाइज, 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें, इन द फिगर हमें फिगर दे रखा है ई एनी पॉइंट, ई एक पॉइंट है ऑन मीडियन, एक मीडियन पर ए डी ऑफ एंगल ए बी सी, ए डी जो है ना एक मीडियन दे रखी है ए डी, उसका ई क्या है पॉइंट है ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, हमें ट्राइंगल है ए बी सी का मीडियन है ए डी और उसका ही पॉइंट क्या है ई, शो डेट हमें शो करना है ए बी ई इज इक्वल्स टू ए आर ए सी ई, ये करना है तो हमें यहाँ ब्रैकेट में यहाँ ए लिख देते हैं ए आर ए बी ई इज इक्वल्स टू ए आर ए सी ई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिगर जो हमें दे रखा है फिगर बना लेते हैं हम, यहाँ हमें ट्रायंगल दे रखा है, सो ये फिगर हमें फिगर में हमें ट्रायंगल ही दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ई, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है ए। ओके, अब चलिए करते हैं शो, हमें क्या करना है इसे हमें शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
चलिए तो फर्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। ए बी, यहाँ हम लेते हैं ए बी डी, ए बी डी और ए सी डी इज इक्वल्स टू ए आर, यहाँ पे लिख लेते हैं ए आर, ए बी डी इज इक्वल्स टू ए आर ए ए सी डी। ओके अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए आर, ये तो फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे लिख लेते हैं ए आर बी ई डी इज इक्वल्स टू ए आर डी ई सी। ओके ये हो गया, अब ए आर बी ई डी इज इक्वल्स टू ए आर डी ई सी। ओके ये है, चलिए हमें ये दे रखा है, ये हमें देने लगता हमने बनाया है तो सो इसी के साथ साथ अब सिचुएशन वन, यहाँ पे हमें सिचुएशन वन बनी और सिचुएशन टू, इन दोनों से हमें क्या मिला, सो यहाँ पे हमें मिला सिचुएशन, अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिचुएशन वन में से, फ्रॉम सिचुएशन वन में से हम हमें टू माइनस करनी है, सो वन में से टू, सो क्या हो जाएगा यहाँ ए आर ए बी डी माइनस ए आर बी ई डी। ओके ये होगा, अब यहाँ पे क्या होगा इक्वल्स टू होगा ए आर ए सी डी माइनस माइनस ए आर डी ई सी। ओके ये होगा ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अब ये करा हमने, जब इसमें से ये माइनस हुआ यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए बी ई आया क्योंकि डी से डी कट, डी से डी कट, डी से डी कट, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा ए आर ए बी ई आ गया, एक मतलब हमारा ये आ गया, अब ए सी डी, यहाँ पे ए सी डी ए सी ई करना है तो हमें यहाँ ए सी डी दे देता है, तो डी से डी कट ए सी ई आ गया, ए सी ई आ गया ठीक है, यहाँ ए सी दे रखा था यहाँ ई आ गया, सो इज इक्वल्स टू ए सी ई ए आर ए सी ई ठीक है, ए आर ए सी ई ये भी आ गया ठीक है। ओके ये हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दर्ज है, चलिए सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है मिड पॉइंट है ऑफ मीडियन, एक मीडियन एडी मीडियन का, सो डेट हमें शो करना है यहाँ पे बी ई डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर, यहाँ वन अपॉन फोर ए आर ए बी सी, अब यहाँ पे क्या करना हमें हाफ नहीं करना है, जैसे हम हाफ करते थे ना अपॉन टू, यहाँ पे वन अपॉन फोर करना है, तो यहाँ पे बी ई डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर ए आर ए बी सी। ओके ये हो गया, ये करना है हमें, ये करना है ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, फर्स्ट में करेंगे यहाँ पे ए बी डी करेंगे, ए बी डी सिचुएशन फर्स्ट बना रहे हैं हम, ए बी डी ए बी डी ए आर ए बी डी, यहाँ पे देखा ए आर यहाँ पे बी आर ए आर ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ बी हाफ, यहाँ पे कर लिया ए बी सी हाफ ए बी सी, ये देखा हमें ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ये हो गया, अब सेकंड सिचुएशन ये है सिचुएशन टू में हमें देखता है ए आर बी ई डी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी डी, सो ए बी डी इससे ही कट है ना, ये हो गया ये कट इससे, ओके ए बी डी दोनों था तो कट हो गया, अब यहाँ पे बचे हाफ हाफ ये और यहाँ पे ये, सो ये क्या हो जाएगा इससे, अब इसके साथ साथ सिचुएशन वन और सिचुएशन टू से हमें क्या मिला ए आर बी ई डी इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे बिग ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा बिग, यहाँ पे बिग ब्रैकेट हाफ इज इक्वल्स टू ए आर स्मॉल ब्रैकेट ए बी डी, यहाँ फिर बिग ब्रैकेट यहाँ स्मॉल या स्मॉल ब्रैकेट यहाँ बिग ब्रैकेट ठीक है, अब ये हो गया हाफ हाफ यहाँ पे है, तो हाफ हाफ ये जब हमें दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर बी ई डी ए आर बी ई डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर ए आर ए बी
सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर टू का भी, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर टू का भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 9.2 एक्सरसाइज का, 9.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो इसके साथ साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। चलिए तो इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। हमें इन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है ए बी सी एंड ए बी डी आर टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस, सेम बेस पर, बेस क्या है ए बी। इफ लाइन सेगमेंट दे रखे हमें सी डी इज बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट है बाय ए बी, ए बी के एट ओ, ओ जो क्या है ओ से मिल रही है, शो डेट, हमें शो करना है यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू ए आर ए बी डी, ए आर ए बी सी इज इक्वल टू ए आर ए बी डी, ठीक है, ये हो गया। अब फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या दे रखा है, फिगर हमें ये दे रखा है, तो चलिए ये देखें, यहाँ ओ, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ डी, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, ओके। अब हमें ये फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ओ ए सी डी, यहाँ पे जो हमें ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी और यहाँ पे क्या है ए ओ इज मीडियन, ए क्या है एक मीडियन है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ साथ ओ O O A O A B O A C O A C O A C और यहाँ पे क्या हो जाएगा O A D O A C और O A D और यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा B C D कॉमा B O, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे O B C O B C यहाँ पे O D D ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या सिचुएशन फर्स्ट, ये सिचुएशन टू, ठीक है। अब इसके साथ साथ सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन टू से हमें क्या मिला, सो ये देखते हैं। अब यहाँ पे ओ ए सी, ओ ए सी है, ओ ए सी और यहाँ पे क्या है ओ ए सी, यहाँ पे ए आर ओ ए सी दे रखा है, यहाँ पे ए आर ओ ए सी, यहाँ पे दे रखा है ए आर ओ ए डी ओ ए डी, सो यहाँ पे क्या फिर क्या दे रखा है, यहाँ पे ए आर ओ बी सी आर ओ डी बी, ठीक है, ये दे रखा है। सो यहाँ पे क्या करना है ए बी सी और ए बी डी, तो ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ए बी सी है, सी सी है, डबल दे रखा है, यहाँ पे ओ से ओ कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे ए आर यहाँ डी दे रखा है, यहाँ पे डी दे रखा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ से ओ कट और यहाँ इज इक्वल टू आ गया A R O A R A B D आ गया, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसका भी हमने आंसर ला दिया A R A B C is equal to A R A B D, ये भी हो गया। सो इसी के साथ साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।